हेलो दोस्तों, स्टॉक एक्सप्रेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली एक कंपनी सुजलॉन एनर्जी के बारे में। दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी जो कि भारत में स्थित एक वैश्विक पवन ऊर्जा कंपनी है, बाजार में हिस्सेदारी के मामले में यह कंपनी एशिया में चौथी सबसे बड़ी और दुनिया की आठवीं सबसे बड़ी विंड टर्बाइन निर्माता है। सुजलॉन विश्व के सबसे बड़े विंड पार्क का भी संचालन करता है, जो तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में 584 मेगावाट का है। इसके अलावा कंपनी महाराष्ट्र के सतारा जिले में कोयना जलाशय के पास एक 201 मेगावाट का विंड पार्क भी संचालन करती है, जो अपने निर्माण काल में एशिया का सबसे बड़ा विंड पार्क था। सुजलॉन एनर्जी का मुख्यालय भारत के पुणे में स्थित है और इस कंपनी की भारत के अलावा दूसरे देशों में भी कई निर्माण इकाइयां हैं। भारत में इसकी इकाइयां पांडिचेरी, दमन, भोज और गांधीधाम में स्थित हैं, जबकि चीन, जर्मनी और बेल्जियम में भी इसकी निर्माण इकाइयां उपलब्ध हैं। सुजलॉन एनर्जी जो एक समय देश की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी प्रदान करने वाली कंपनी थी, लेकिन वित्तीय संकट के कारण कंपनी के बिजनेस में बुरा प्रभाव देखने को मिला था, जिससे कंपनी के शेयर प्राइस में भी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। क्या यह कंपनी आने वाले दिनों में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है? आइए डिटेल्स में जानते हैं। दोस्तों, आने वाला समय ग्रीन एनर्जी का ही होने वाला है। जैसे जैसे इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ता जाएगा, इससे भविष्य में सुजलॉन कंपनी को बड़ा फायदा होते देखने को मिलेगा। कंपनी जब अपने मुख्य बिजनेस से अच्छा प्रॉफिट निकालना शुरू कर देगी, तब आपको यह शेयर मल्टीबैग रिटर्न भी दे सकता है। भविष्य के हिसाब से यह बिजनेस बहुत ही अच्छा है और इसमें ग्रोथ की अपार संभावनाएं उपलब्ध हैं। इसलिए सरकार भी इस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए राहत पैकेज की घोषणा करते नजर आ रही है, जिससे कंपनी के बिजनेस में भविष्य के लिए अच्छी तेजी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। अगर कंपनी अपने बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर पाती है, तो कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर आप लंबे समय के लिए इस स्टॉक में निवेश करेंगे, तो जरूर आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। कंपनी अभी से ही आने वाले दिनों में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारे नए नए प्लान करते हुए दिख रही है, जिसकी वजह से कंपनी को अच्छा मुनाफा होना भी शुरू हो गया है। कंपनी का सबसे पहला लक्ष्य होने वाला है अपने कर्ज को जल्द से जल्द कम करना। इससे कंपनी आने वाले दिनों में और ज़्यादा तेजी से अपने बिजनेस को बढ़ा पाएगी और साथ ही सरकार के रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस के कारण इस सेक्टर की कंपनियों को बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। हाल ही में कंपनी के तिमाही रिजल्ट में लगातार अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है, जिससे कि यह लगता है कि आने वाले दिनों में कंपनी में ऐसी ही प्रॉफिट और ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जा रही है, नज़र आ रहा है कि कंपनी को बहुत बड़े प्रोजेक्ट मिलना भी शुरू हो चुके हैं। आने वाले दिनों में कंपनी को इन प्रोजेक्ट को पूरा भी करना है, जिससे कंपनी को अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। 2022 में सुजलॉन एनर्जी शेयर का पहला टारगेट 12 रुपये का देखने को मिलेगा। उसके बाद जल्दी ही ये टारगेट बढ़कर 14 से 16 रुपये का हो जाएगा। कंपनी लगातार अपने फाइनेंशियल और क्वार्टर रिजल्ट में तेजी से ग्रो करती हुई दिख रही है, जिससे भविष्य में इसके शेयर प्राइस में बहुत अच्छी तेजी की उम्मीद की जा सकती है। आप चाहें तो लंबे समय के लिए इस स्टॉक को खरीदने की सोच सकते हैं। कंपनी कई बार अपने कर्ज के कारण आर्थिक संकट में चली गई थी, जिसकी वजह से कंपनी डूबने के कगार पर आ गई थी, लेकिन बैंकों ने कंपनी को एक मौका और दिया है अपने बिजनेस को वापस लाइन में लाने के लिए। अगर कंपनी आने वाले दिनों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है और अपने कर्ज को चुकाने में असफल हो जाती है, तो कंपनी के शेयर में एक तरफा गिरावट देखने को मिल सकती है। इस समय कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी उतना खास देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के ज़्यादातर शेयर प्लेज हैं, जिससे कि इन्वेस्टर को खतरा महसूस होता है। सुजलॉन एनर्जी स्टॉक में जितने रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है, उतना ही इस शेयर में रिस्क भी देखने को मिलता है। अगर आप इस शेयर में निवेश करना चाहते हैं, तो उतना ही पैसा निवेश कीजिएगा, जितने का नुकसान होने पर आपको फर्क न पड़े। जैसे जैसे कंपनी अच्छा रिजल्ट पेश करती जाए, वैसे वैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। आशा करता हूँ सुजलॉन एनर्जी के बारे में यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप कंपनी के टारगेट के साथ रिस्क को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। आपके मन में इससे जुड़ा कोई भी सवाल हो, तो कमेंट में जरूर बताएं। शेयर मार्केट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।